नहीं दिख रहे हैं। I remember these kind of fights. I remember these kind of zones. ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और गॉडलाइक में से किसी को अल्फा बनना पड़ेगा इस पूरी फाइट के सिनेरियो के अंदर अगर आगे की तरफ को जाना है। दोनों को जोन काट रहा है, दोनों को जोन की फाइट लेनी पड़ेगी। तीसरा सर्कल है, 45 सेकंड है और किसी ना किसी को आगे जाना है। बट रिमेंबर ऐसे जोन्स में आपके पीछे भी कोई ना कोई रहता है। टॉकिंग अबाउट अ टीम दैट रेन सुप्रीम, गॉड रेन बिल्कुल पीछे है, शैडो आगे मूव करने की कोशिश करी है, इस पावर भी साथ के साथ जा रहे हैं। बगी स्विच इनका काफी कारगर होता है लेकिन इस पर मैं कितना रह पाएगा जब प्लेयर्स आपके ऊपर नजर टिका करके बैठे हैं। गॉड लाइक चाहते ना चाहते यहीं पे सैंडविच हो सकती है लेकिन इस चीज को रोकने के लिए the gods are here. They are trying, but Dark Lord does something. उनके बिल्कुल सामने एक बगी आई थी. S Power was going for the buggy switch, but Dark Lord हल्का सा move किए. Hand players को take down किया, एक और player को take down करने की कोशिश है. जरूर back end से God Drain भी आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं यहाँ पर team और play shadow को लेकर के जाएंगे. Z God आखिरी उम्मीद इस team की. Dark Lord के बिल्कुल सामने M4 के अंदर गोलियां, एक grenade को किया जा रहा है. Will this grenade hit as it gets thrown down onto Z God? Is there? With a grenade, Dark Lord comes ahead and clutches the situation. He takes three. And इन्हें अभी फाइट नहीं लेनी है, इंस्टेंटली सर्कल के अंदर जाना है। उनको पता चल चुका है, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मोमेंटम मिल चुका है शैडो के पोजीशन के बाहर। नजर डाली है ब्रिज के ऊपर है जहां पे एक जितना हो सके बट स्पार विद द ग्रेनेड टेक्स वन एंड टीबीएस माइट एज वेल ट्राई टू टेक द अदर वन डाउन बट नो इट्स शैडो अगेन। शैडो द कर्स फॉर गॉडलाइक इज स्ट्राइकिंग। ये नाम चाहे टीम कोई भी हो, शैडो नाम का खिलाड़ी कहीं ना कहीं गॉडलाइक को दिक्कतें दे रहा है लेकिन क्या इससे उभरेंगे? वेल जोनाथन इज हियर टू आंसर दैट। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जॉनी को। जॉनी के पास कवर है, उसके अराउंड खेल सकते हैं बट शैडो ने इस बार गॉडलाइक के शैडो ठीक उनके सामने कुछ और खिलाड़ी हैं बट फिलहाल के लिए उनके ऊपर भारी मात्रा में प्रेशर आ रहा है। शैडो के हाथ में डीबीएस है बट एचपी ज्यादा नहीं बची है एंड कोई ना कोई आगे आएगा। निंजा बॉय ने ये जिम्मा संभाला और आखिरी फिर से बच चुके हैं जोनाथन। क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर? S12 के 10 गोलियां, 15 बाकी एक्स्ट्रा पड़ी रहेंगी रिवाइवल देने की कोशिश। S पावर को रिवाइव देना पड़ेगा अगर साथ में इन दोनों की जोड़ी कोई यहां पर कोई ना कोई तिकड़म रचनी है लेकिन निंजा बॉय एकदम साइड में आ चुके हैं, वो स्मोक के एरिया के पास है। शैडो सामने दिख रहे हैं, इट्स जोनाथन हु हैज टू टेक अप द फाइट। मोलोटोव लेफ्ट हैंड साइड पर डाला जाएगा। निंजा बॉय भी दिख चुके हैं, फिर से S12 के चलाई जरूर गई लेकिन डैमेज खुद पे भी लिया है दोनों खिलाड़ी। इनको सब पर भारी होना पड़ेगा बट इस पावर इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन दिस पावर एज वेल। फिर से शॉट्स ये लेकिन अब वो खत्म हुआ एंड नाउ इट्स जोनाथन हु वाज ट्राइंग बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स दे वाइप गॉडलाइक अगेन। एक बार नहीं दूसरी बार एंड दे हैव बिकम द अकिलीज हील्स फॉर टीम गॉडलाइक। अपने घर से निकले थे वेस्टर्न साइड फाइट लेने, शिकारी खुद ही शिकार हो चुके हैं। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स काफी खुश, 5 फिनिशेस और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो स्प्रेड था वो खिलाफ हो गया उनके। पर टीम सोल भी आसपास है और यहाँ पे इस फाइट में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। ओमेगा पे के पास एक बहुत अच्छा एंगल है, ग्रेनेड फेंका है, शैडो को हल्का सा बस मात्र डैमेज पड़ा है। ओमेगा बिल्कुल आगे, हेक्टर एकदम पीछे, हेक्टर को तो हील करना पड़ेगा अगर ओमेगा खत्म हुआ है। बट ओमेगा नीड्स टू बी द अल्फा अगेंस्ट अ टीम लाइक ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जो कि रौद्र रूप धारण कर चुकी है। फुटस्टेप्स इनको प्लेयर्स भी दिख रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन आप देखिए ओमेगा पूरा एरिया घूम चुके हैं। ही नो वेयर द प्लेयर इज, एक को स्पॉट किया लेकिन इतने सारे खिलाड़ी एकदम से ऊपर चढ़े और उसका हुआ है नुकसान। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 6 फिनिशेस ले चुकी है। Redemption time, Global Esports का चल रहा है, you know. के लिए भी हर्ष एक थोड़े से ऑफ एंगल पर थे, प्लेयर्स को फिनिश करना चाहेंगे, कोई स्कोप नहीं है, रेड डॉट भी नहीं है, बट बैक एंड से पकड़े गए, जोन के बाहर की मौत। Global Esports, Global Esports आज कुछ बड़ा कर रहे हैं, निडर होके खेल रहे हैं, जहां पे फाइट ले सकते हैं वहां पे ले रहे हैं। एंड जो इसी मंच पे सीजन 1 की ट्रॉफी उठाए थे, प्लेयर्स अलग थे बट हौसले आज भी बुलंद। एक और एमबॉट को भी पिक किया इन्होंने। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के नंबर्स बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन ट्रू रिपर्स के ऊपर भी फाइट आ चुके हैं मेडल के विपरीत। पैराडॉक्सिस घर की शॉट्स लेने की कोशिश, एचपी बहुत कम, मैक्सी को बचाना भी एक चीज रहेगी लेकिन डीबीएस जब चलती है तो प्लेयर्स एक एक करके रहम की भीख मांगते हैं।
जी हाँ, पैराडॉक्स यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा फायदा उठाया डीबीएस का, अपने आपको रिपोजिशन किया क्लोज रेंज में, जो एक फ्लिक शॉट रहना होता है ना वो टीम मेडल के पैराडॉक्स ने उसमें महारत हासिल कर ली। बट अब यहाँ पे किसी ना किसी हाल में टॉप डॉग को भी बचाना है, बट देखिए ठीक उनके बगल में कौन कौन मौजूद है, स्पीयर भी है, शेडो भी है, और स्पीयर अगर ऐसे सर्कल के अंदर आएंगे बट ठीक है चलिए एक लाजवाब रिफ्लेक्स उनके तरफ से। बट फाइनली यहाँ पे पता चल चुका है मेडल को कि एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रू रिपर्स के जो आखिरी खिलाड़ी है वो कहाँ पे। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स थोड़े से चोटिल हुए, काफी गुस्से में। यहाँ पे स्पीयर के आईमेन के पास फिर से जोन जाता है, WSB के खिलाड़ी जोन में है और उनके पीछे वन ब्लेड के रॉकस्टार, ही स्टिल हैविंग अ कॉन्सर्ट इन सैनहॉक, बट कितनी देर तक, क्योंकि सर्वाइव तो अकेले कर रहे हैं। इस बार न्यूमैन को थोड़ा सा अच्छा कवरेज लेना चाहिए, आई थिंक जो कमी रह गई थी रैंगल में इस बार पूरी कर लेनी चाहिए। डार्क लॉर्ड देखिए इमॉर्टल के ऊपर मोलोटोव फेंक के उनको फिनिश ऑफ करेंगे, जैसे ही Well, he's in a lot of trouble. एक नेड़ आएगा एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जो चीज इससे पहले इनसेन कर रही थी सैनहॉक के अंदर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स में वो कर दिखाया है। 11 इट्स फेंकते हुए ग्लेडिएटर्स के ऊपर डेल्टा ऑलरेडी इज बीन डेल्ट विद एंड जस्टिन और शोगन ये दो खिलाड़ी बचे। जस्टिन है अभी भी हौसले बुलंद है, आसपास इत की तरह मनगित की तरह इनफैक्ट मंडरा रहे हैं, तो मुश्किलात होने वाले हैं। बट अभी ग्लेडिएटर्स का क्या जवाबी वार रहेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल। What is this zone? What is this monstrosity? उस ब्रिज के ऊपर अगर आप हैं या नीचे तो शायद सेफ है, लेकिन वो भी यूज नहीं करना चाहते, एनर्जी ड्रिंक के साथ काम चला रहे हैं। अब सारे प्लेयर्स के बीच फिर से बातचीत, काफी ज्यादा जमावड़ा बन रखा है, अलग अलग किस्म की मछलियां तैर रही हैं अभी इस ब्रिज के अंदर, और अफसोस की बात यही है कि सांस घोट के मरे जाएंगे। What if? जस्टिन या शोगन इनकी एचपी फुल है, स्प्रेगॉड अपनी एचपी फुल कर देंगे, मेजर फाइट पहुंच पाएंगे, मेजर फाइट स्प्रेगॉड और ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों के बीच में हील नहीं कर पाएंगे ये लोग, लेकिन अगर ये सेंटर में गए नहीं पहुंच पाएंगे, देखते हैं। इम्पॉसिबल लिख के ले लीजिए। आखिरी सर्कल, नवा स्टेज, सैनहॉक की खूबसूरती, हीलिंग बैटल्स होती जरूर हैं, बट इस समय सिर्फ स्प्रेगॉड हैं, विल नॉट गो फॉर एनी सैक्रिफिशियल रोल क्योंकि टीम से आखिरी हैं और नीचे सिर्फ और सिर्फ मछलियां। इमोट करना चालू कर देना चाहिए उनको, उन्हें पता चल चुका है नीचे जो तैराकी लगाए रखे साउंड्स तो आ रही होंगी। Let's see. This is the last 30 seconds of Sandhawk. Last 30 seconds. यहाँ पर आपको 15, 12, 10, 8, 6 points. In points की fight है. 6 टीमें, 7 लोग जीवित. And Spray God with just one first aid needs that one first aid. And the zone is colliding. It's slowly colliding. Justin gets a weapon. Paradox को किया है pick. He needs that one pixel. Gets it again. Hector अगला शिकार बन सकते हैं. इसी एक pixel की मैं बात कर रहा था. Justin, you beauty, you stealer. He's taking those. लेकिन अब नीचे के एरिया में खिलाड़ी करेंगे भी तो करेंगे क्या, हेक्टर भी अभी बचना चाहते हैं लेकिन जोन उनको पकड़ सकता है। जी बिल्कुल, हेक्टर अगले गए, 4 टीमें अगले गए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, ग्लैडिएटर्स ऑन सेकंड एंड स्प्रे गॉड गेट्स दिस विन फॉर हिमसेल्फ फॉर द टीम मार्कोस गेमिंग। विल एमवीपी, लेट्स फाइंड आउट। यस इट इज नूब, 5 फिनिशेस, 38% कंट्रीब्यूशन और सर्वाइवल टाइम 20 मिनट्स के ऊपर जाता हुआ, which is really good outset. Yeah, of course. I mean, जिस तरीके से ग्लोबली स्पोर्ट्स खेल रही है, जिस रवैये से आए हैं, हाव भाव रह रहा है, मुझे लग रहा है कि आज कुछ बहुत बेहतरीन करके गई हैं। इनफैक्ट ग्लोबली स्पोर्ट्स का ये आखिरी मैच था, कहीं ना कहीं दे हैड टू एंड अप विद अ बैंग एंड दैट वेल इट्स ग्लोबल थ्रू एंड थ्रू। यहां पे नूब ऑफ कोर्स ओशन टेकिंग दिस लीड, ही डेफिनेटली इज, बट कहीं ना कहीं एक इशू जरूर आता है एसएच अगर बात करी जाए, कमिंग डाउन ऑन टू द स्टैट्स एंड वेल It's just a perfect play, जिस तरीके से आपने बात करा था ग्लोबल के